नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत को और विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, की सबकी खुशी और समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 15,000 रुपये। कर्नाटक, एचडी कुमार स्वामी का आरोप, योजनाओं के नाम पर धन का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा धंसने से 36 मजदूरों अंदर फंसे, मलबा हटाने का काम जारी। वेब सीरीज पाउडर के क्रू मेंबर मातन मीर की गाजा में मौत, हमास के खिलाफ लड़ रहे थे यूथ। हिमाचल प्रदेश के लेप्जा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों संग मनाएंगे दीपावली। इजराइल का दावा, 1,000 लोगों को बंधक बनाने वाले हमास के कमांडर पर किया हमला। मथुरा में हत्या और लूट के आरोपी का यूपी पुलिस ने किया इनकाउंटर। तेलंगाना, बीआरएस विधायक बलराज पर हमला, कांग्रेस उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर आरोप। युद्ध विराम से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का इनकार, बोले हमास से पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने पटाखे फोड़कर मनाई दिवाली। हरियाणा के रेवाड़ी में नैपकिन बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। तेलंगाना चुनाव के लिए दिवाली बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। भारी भीड़ के कारण सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़, एक व्यक्ति की मौत। सोनीपत स्थित एपेक्स ग्रीन सोसाइटी में लगी आग। पंजाब सरकार 1400 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों को निर्वासित करने के फैसले पर 31 दिसंबर तक लगाई रोक। दिल्ली की हवा में सुधार, कई इलाकों में 251 के आसपास रहा एक ही वायर। गाजा के अस्पताल में शुरू हुई तबाही, ईंधन खत्म होने से 2 बच्चों की मौत के बाद इजरायली सेना ने संभाला राहत बचाव कार्य का मोर्चा। ठग हमला कर रहे ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली के दौरान हिंसा पर भड़के रूसी सेना। सूडान के दारफूर में जंग की शुरुआत, अब तक 800 लोगों की मौत, यूएन। गाजा के अल शिफा अस्पताल से टूटा संपर्क, डब्ल्यूएच ने जताई गंभीर चिंता, युद्ध विराम की अपील। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।